तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की गरिमामय उपस्थिति में वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभावत्म विधार्जन केंद्र डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने केंद्र का अवलोकन कर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की और डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवाचार और प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभावत्म विधार्जन केंद्र डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर का उज्जैन में शुभारंभ खगोल विज्ञान की दृष्टि से एक बड़ा कदम है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर प्रधान बीजेपी जी का अभिनंदन करता हूं। हमारा अपना आज का इस कैंपस का शुभारंभ विक्रमोत्सव का एक हिस्सा है और विक्रमोत्सव का हिस्सा होने के नाते से मैं एक और आनंद महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 29 फरवरी को की गई थी। उज्जैन के उस आयोजन को जब दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, काल गणना का वो केंद्र जिसकी हजारों हजार साल से पहचान रही है, ऐसे में अभी हम ग्रीनविच से अपना स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात भी करते हैं, लेकिन वैदिक घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम अभी ये रिसर्च की बात है। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर भी एक IITN कानपुर ने अपना एक ऐप बनाया और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारे ग्रह नक्षत्र तारे सबकी गणना करने के लिए भारतीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है, भारतीयता से कैसे सोचा जा सकता है, यह अद्भुत प्रयोग हुआ और आज हमने देखा कि वैदिक घड़ी बनकर के सबके बीच तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के उस शुभारंभ का। और अभी 4-6 दिन की बात है, मोदी जी ने शुरुआत की उज्जैन का वो मान बढ़ाने की, जिसके कारण से हजारों हजार साल से उज्जैन का अलग दुनिया में मान सम्मान पुराने समय था, लेकिन आधुनिक काल में वो मान सम्मान पुनर्स्थापित हो, मध्य प्रदेश का मान पुनर्स्थापित हो, और केवल मध्य प्रदेश का नहीं दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारी वो ज्ञान की ध्वजा फिर लहराने लगे। इसलिए ये बड़ा निर्णय किया गया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज उसका अगला पड़ाव आया है उज्जैन में, खगोल विज्ञान की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मौजूदगी में। जोरदार अभिनंदन माननीय धर्मेंद्र जी का इस नाते से भी।